ये है अपनी बाइक और अभी हम सीधे निकल रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। चलो चलो निकलते हैं। मोबाइल किया है सेट मैंने और अभी मैं निकल गया हूँ घर से। यहाँ से मुझे गूगल मैप दिखा रहा है 1.5 घंटा लगेगा, तो मेरी तो कोशिश रहेगी तो जल्दी से जल्दी पहुँचने की। तो चलो देखते हैं अभी मैं जल्दी पहुँच पाता हूँ कि नहीं। ये मिले हमें हमारे दोस्त, बहुत पुराने दोस्त, पास किया हिंजवड़ी, जस्ट हमने पास किया है और अभी हम जा रहे हैं कामशेद के लिए। और कामशेद से फिर सीधा जाएंगे हम कामशेद का जो ग्लाइडिंग सेंटर है, पैराग्लाइडिंग सेंटर, वहाँ पे। मैं अभी डेली व्लॉग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो अभी हम पहुँच गए हैं पुणे मुंबई ओल्ड जो हाईवे है, ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे पे। कभी आओगे तो आप मुझे ज़रूर याद करना दुआओं में कि सागर भी यहाँ से गया था। हमसे 16 किलोमीटर दिखा रहा है, सो लेट्स सी। ये टोल प्लाजा आया है, तेहू रोड है आई थिंक। तो अभी जस्ट हमने ये देहू रोड का टोल पास किया है, तो अभी मैप लगाते हैं। अरे यार यहाँ पे रोड पे कुछ सीन है जो कि क्रेन है, शायद से क्रेन लेके जाने का काम हो रहा है, क्रेन लेके जा रहे हैं शायद से। अगर आप कितना भी प्लानिंग क्यों ना करो और रास्ते में ऐसे इंसिडेंट होते ही रहते हैं जिससे कि आपका प्लान इधर उधर हो सकता है, इसीलिए आप कभी भी तैयार रहना चाहिए। अभी मुझे गूगल मैप 44 मिनट दिखा रहा है और मेरे पास अभी भी 31 मिनट है, तो मैं 31 और 44 तो 13 मिनट में लेट दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं 13 मिनट मैं कवर कर सकता हूँ कि नहीं। ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल और आरामदायी है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद आपके बम भी दुखते हैं, ये भी मैं चीज़ एक आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। आई होप मेरी ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही होगी क्योंकि मैंने एक जुगाड़ किया है, आई होप इट वर्क्स। यहाँ से कामशेद 10 किलोमीटर के आसपास है, 10 मिनट का मैं लेट हूँ। तो अभी ब्रिज आएगा, जो उस ब्रिज से हमें आगे जाके थोड़ा सा एक राइड लेना है। और ये सामने सामने दिखा है हमें कामशेद का फेमस ब्रिज, इससे ही हमें थोड़ा आगे जाके राइट लेना है। मैप के थ्रू जाएंगे हम। यहाँ पे ब्रिज का काम चालू है, कामशेद का जो ब्रिज है उसका काम चालू है। तो ये ब्रिज के नीचे से हमें जाना है राइट साइड। हमने लिया है राइट, अच्छा तो यहाँ से ही हम गए थे ढाक भैरी के लिए। यहाँ से जाते समय आपको रेलवे ट्रैक भी क्रॉस करना होता है, अभी आएगी ट्रेन। पैराग्लाइडिंग का जो मेरा कैप्टन रहने वाला है उसका मैंने उसको मैंने फ़ोन किया तो उसने मुझे बोला कि वो भी अभी 10-15 मिनट में साइड पे पहुंच ही रहा है। तो वो पहुंचने के बाद तब तक अच्छा है, मैं साइड पे जल्दी पहुंच जाऊंगा। और पहुंच जाने के बाद मेरा गोप्रो
सेट करूँगा, बहुत सारी चीज़ें करूँगा, मेरे हेलमेट यहाँ पे माउंट करके रखूँगा। स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस मेरा अभी बचा है, स्काई डाइविंग भी करनी है मुझे। तो मैं बहुत बोल चुका हूँ और मैं बोलने की बहुत, मेरी जो आदत थी वो थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी कोशिश करूँगा कि जितना कंसिस्टेंट हो सके उतना मैं कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड कर सकूँ। अच्छा, करंस गाँव आज मैं अकेला आया हूँ भाई देवे, और इस नेविगेशन की वजह से मेरा बहुत टाइम सेव हुआ है, नहीं तो मुझे मोबाइल हाथ में लेके कैसे कैसे करके जाना पड़ता था। तो यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं, क्या होता है सीन देखते हैं। सो फाइनली मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी है, और जो मेरे कैप्टन थे ग्लाइडिंग उनको मैंने फ़ोन किया है, वो अभी रीच आउट हो गए, मैं भी उनको नेटवर्क नहीं रहेगा, वो आएंगे तो फिर हम उनके साथ जाएंगे। यहाँ से कुछ ऊपर यहाँ पे जाना है, वो जो ऊपर दिख रहा है ये आगे देख सकते हो, ऊपर जो यहाँ पे पवन चक्की घूम रही है, और यहाँ से कुछ टेक ऑफ लेना है, तो मतलब ऊपर जाके फिर ये करना है, फ्लाइंग करना है। और हवा अभी छुट्टी है, ये 3 बजे का स्लॉट दिया गया था, यहाँ से गाड़ी आ चुकी है शायद, तो गाड़ी आने के बाद हम जाएंगे। यहाँ से आधा किलोमीटर तक हमें ट्रेक करके जाना है, फिर वहाँ से हमारी राइडिंग जो लोकेशन है वो ऊपर है, वहाँ पीछे वहाँ तक हम जा रहे हैं। अपने पेट है ना, वो लेक दिखेगा, उसके पीछे पहाड़ के पीछे दूसरा लेक है। राइडिंग साइट का जो कैंप है यहाँ पे, और अभी मैं मेरे GoPro की बैटरी चेंज करता हूँ, फिर हम फ्लाई करेंगे। अभी सर हमें इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, चलो पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते क्या क्या है। टेक ऑफ फ्रॉम हियर, आफ्टर टेक ऑफ देन वी हैव टू फ्लाई लाइक दिस, सी वी हैव टू फ्लाई अलोंग फ्रॉम द माउंटेन, सी यू सी यू कैन सी ऑल द फ्लो राइट। सो आफ्टर फ्लाइंग, आफ्टर फिनिश योर ड्यूरेशन राइट, मोस्टली वी ट्राई टू लैंड हियर ओनली, because there is other people's. Okay. Right. So if you go down, it takes time to come up. तो छोटा वो जो wind का जो wind pattern है उसको हमें कैसे control करते हैं, right? So mostly we try to land here. If not manage here landing, हमारा landing area नीचे भी। Okay. तो जैसे हम base से नीचे आए थे ना, जिधर आप खड़े थे, that is our landing area, right? Yeah, so we have a agreement form. Okay. We have to fill this. सभी adventure पे आपको fill करना ही पड़ता है before कुछ भी adventure. इससे पहले मैंने आज यहाँ bungee jump किया था। Yes, you have to fill this thing, right? Okay, okay. So this is intimidating actually, right? You have to read this thing. You have to put your name, mobile, आपका sign होना चाहिए। तो यहाँ पे सब वो form fill up करके लेते हैं, और वो करने के बाद हम सीधा then we'll take up. Then we just slowly get ready, right? तो चलो। You have to just fill this behind also. Form भरके। Only ten. अभी मुझे हेलमेट वगैरह दिया जा रहा है, मेरा सब जो भी ये बॉग है यूट्यूब आफ्टर लैंडिंग। इस सर के साथ मैं आज फ्लाई करने वाला हूँ। मेरे आगे रहेंगे, हाँ हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। ओके, और टेक ऑफ के लिए हमें दौड़ने की ज़रूरत है, हाँ हाँ, स्पेशली अगर अच्छी हवा हो इट वॉन्ट लेट यू टू रन, लेकिन जब तक जमीन पे पैर है खुद को बैलेंस रख के भागना है, आगे बढ़ना है। ओके, हम तोड़ गए उड़ गए।
और फाइनली मैं मेरा एक छोटा सा सपना सच होता हुआ देख रहा था। मैंने एक विश लिस्ट की थी जो मेरी आज पूरी हो रही थी और उसको मैं फील कर रहा था, उसको मैं जी रहा था। आपके सपने भले छोटे हो बड़े हो मैटर नहीं करते, जब आप वो पूरे करने के लिए आप एक छोटे बड़े कदम उठाते हो और वो आपके छोटे बड़े सपने जब पूरे होते हैं हकीकत में बदलते हैं, वो जो खुशी आपके चेहरे पे आती है वो प्राइसलेस होती है। उसी का मैं ये एक्सपीरियंस ले रहा हूँ ऐसा मुझे महसूस हुआ। बहुत बड़ी एक राइटर है कॉर्नेलिया फंक, जिन्होंने अपने एक कथा में कहा भी है कि फियर किल्स एवरीथिंग, योर माइंड, योर हर्ट, योर इमेजिनेशन। अगर आपके मन में डर है तो वो डर आपके इच्छा आकांक्षा कल्पना शक्ति को ख़त्म कर देने का काम करता है। इसलिए आप अपने अंदर का जो डर है, जो फियर है, उसे ब्रेक करोगे तभी जाके आप अपने माइंड पे, दिल पे, आपके कल्पना शक्ति पे काम करोगे, आपके पैशंस फॉलो करोगे, आपके ड्रीम्स कंप्लीट करोगे। और आपने सुनाई होगा कि डर के आगे जीत होती है। मैंने हाल ही में सोशल मीडिया पे कहीं तो देखा था, नाम बनता है तो रिस्क से, और मेरा तो इश्क है तो रिस्क है, इश्क मेरा पैशंस फॉलो करने में है, तो मैं मेरी पैशंस, मेरी ड्रीम्स, उस पे मैं काम करता हूँ। मुझे बहुत साल पहले पैराग्लाइडिंग करनी थी। मैंने एक बार हमारे गांव में राजगढ़ फोर्ट से ऐसे पैराशूट्स जा रहे थे, तब मेरे मन में ख्याल आया था कि ज़िंदगी में जब भी पॉसिबल होगा तब मैं ज़रूर ये पैराग्लाइडिंग करूँगा और इसका एक्सपीरियंस लूँगा। और वो मेरा ड्रीम, आज जो मेरा सपना था वो आज पूरा होता हुआ मैं फील कर रहा था। सातवें आसमान में था, मैं नीचे देख रहा था तो पूरा जो मन के अंदर का डर था वो डर मैंने ब्रेक किया था। वो खुशी इतनी थी कि मेरे जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था और मैं स्पीचलेस हुआ था। वो जितना भी दृश्य था वो मुझे अपने आँखों से, अपनी नज़रों से कैप्चर करना था। कोई भी मुझे उसमें ऐसा ब्रेक नहीं लाना था। मैं जब वहाँ पे गया था लाइट पे, तब मैंने सोचा था कि मैं ये बोलूँगा, ये मेरा एक्सपीरियंस डायलॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। लेकिन जब मैं पैराग्लाइडिंग में बैठा, पैराग्लाइडिंग के जो बलून्स आप देख रहे हो इसमें जो बैठा था, तब मेरी जबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था, एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तो जब मैंने ये फुटेज देखी तब मुझे लगा इससे अब हमें अपना वॉइस ओवर देना पड़ेगा। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे घर पे आने के बाद अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ये पैराग्लाइड एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो आप कामशेत जो लोकेशन है वहाँ से शेलार हिल करके एक एरिया है, वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ पे आपको ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ऑन द स्पॉट भी अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे ये पासेस और टिकट्स अवेलेबल हो सकती है।
ख्वाहिश है कि आपको पैराग्लाइडिंग करनी है, तो आप एक बार ज़रूर ये एक्सपीरियंस ट्राई कर सकते हो। बहुत लाजवाब ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव रहा, और मैं ये कभी नहीं भूलूँगा। मैं चाहता हूँ तो ये फुटेज मैं यहाँ से कट भी कर सकता था, थोड़ा आगे का दिखा सकता था, लेकिन मुझे ये पूरा का पूरा मेरा फुटेज, मेरे मेमोरीज, मेरी यादें YouTube पे साझा करनी थी, इसलिए मैं ये पूरा अनकट वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। जब भी मैं इन फ्यूचर ये वीडियो देखूँ तो मुझे मेरी पूरी यादें मेरे आंखों के सामने आ जाएगी। मैं इतने ऊपर था लेकिन दुनिया में भूल चुका था, मुझे किसी भी ऐसी चीज़ याद नहीं आ रही थी, जैसे कि कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है जिसकी मुझे अभी फिक्र हो रही है। मैं सिर्फ अपनी एक पीस ऑफ माइंड में चला गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है। और जब वो मेरे कैप्टन मुझे पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, उनको बोलने के लिए भी मुझे, हालांकि उस समय कोई शब्द नहीं थे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पूरी फ्लाइंग में मैं चुप था। जब उन्होंने मुझे कुछ सवालात पूछे तब मैं उनको थोड़े बहुत जवाब दे रहा था, लेकिन पूरी मेरी ग्लाइड में मैं स्पीचलेस था, जैसे कि आप इस फुटेज में देख सकते हो। दिस इज माय बिगेस्ट जॉय एंड नेवर एंडिंग प्लीज। अभी तक तो सब सही चल रहा था, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा था, लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म तो बाकी आने बाकी थी। आपने देखा होगा एक वीडियो जो था, वो बंदा बोलता है भाई 100-200 एक्स्ट्रा ले ले लेकिन लैंड करा दे, बिल्कुल उसी प्रकार की हालत मेरी हुई थी, लेकिन वो करने के बाद मज़ा भी आया। तो मैं चाहता हूँ वो सीन भी आप देखे, वो मेरी हालत, वो मेरी कैसे फटी थी, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरा कैप्टन मुझे बोला थोड़ा डरा रहा हूँ आपको, और मुझे अंदाज़ा आ ही गया था। अरे पापा 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 पापा, करीबन 10 से 15 मिनट हमारी फ्लाइंग होने के बाद कैप्टन ने मुझे लैंड करने के लिए बताया कि अगर हम लैंड करते समय स्पीड से नीचे उतरते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लैंड करने वाले हैं उस डायरेक्शन में थोड़ा सा रन करना है ताकि आप ज़मीन पे गिरे ना। तो मैंने वो चीज़ ध्यान में रखी। हमने
टोटल 3 बार लैंड करने की कोशिश करी, लेकिन विंड की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। तो ये हमारी फर्स्ट टेक थी जिसमें हमारी लैंड फेल हो गई। फिर हम वापस से दूसरी बार आए रिटर्न आगे जाके, और फिर हमारी दूसरी बार भी हमारी लैंडिंग फेल हो गई। लेकिन हमारे कैप्टन बोले डरने की कोई बात नहीं है, हम अभी तीसरी बार लैंड करेंगे तो हम उतर जाएंगे। और फाइनली तीसरी टेक में हमने लैंड किया, और ये मेरा एकदम ब्लिसफुल राइड, मेरी लाइफ की बहुत ही नेवर एंडिंग ब्लिस जो होती है वो यहाँ पे ख़त्म हुई। यहाँ पे मेरी ये जॉय राइड ख़त्म तो हुई थी, लेकिन इस जॉय राइड ने मुझे दी थी वो अनगिनत यादें, वो मेमोरीज जो मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूँगा। वो मेरा एक सपना आज यहाँ पूरा हुआ था। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ओके, मजा आया? बहुत। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। वो ग्लाइड करने के बाद एल्टीट्यूड की वजह से पेट में मेरे गोले आ रहे हैं ऐसे, और ऐसा लग रहा है मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, और भूख भी लगी है ऐसा लग रहा है मुझे। आते वक्त मैं अच्छा खासा खा के आया था, फिर भी धूप की वजह से ऐसा लग रहा है बस प्यास भी लगी है और भूख भी लगी है। अच्छी बात है कि मैंने ये रिकॉर्ड करके रखी है, तो मैं ये लाइफ टाइम वीडियो खुद देखूंगा और एक्सपीरियंस करूंगा। दिस इज सागर द ब्लॉगर साइनिंग ऑफ। टिल देन सुनो सबकी और करो अपने दिल की पीस। बाय फॉर नाउ।